हेलो फ्रेंड्स, भारती किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ग्रिल सैंडविच की रेसिपी। ग्रिल सैंडविच बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, और झटपट से बनने वाली है और हमारे बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। नए हैं तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने पत्ता गोभी ली है, जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं। एक गाजर ली है, जिसे मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है। एक कटोरी मैंने बॉइल्ड कॉर्न्स लिए हैं, और एक छोटी कटोरी मैंने बारीक शिमला मिर्च ली है, जो कि काट ली है बारीक बारीक। इन सब के बाद हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच मेयोनीज के डालेंगे। अभी मैंने 2 चम्मच ही इसमें डाले हैं। 1 चुटकी इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक, और इस सब को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि मेयोनीज के अंदर हमारी सारी सब्जियां मिल जाएं। अगर आपको मेयोनीज कम लगे तो आप इसमें 1 चम्मच मेयोनीज और डाल सकते हैं। देखिए, हमारा मिक्सचर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम सैंडविच ब्रेड लेंगे। मैंने प्रॉपर सैंडविच ब्रेड ली है, जो कि मार्केट में मिलती है, बड़ी ब्रेड। आप चाहें तो कोई भी छोटी ब्रेड भी ले सकते हैं। हम इसका एक पीस उठाएंगे और उसके ऊपर अच्छे से हमने जो ये सैंडविच का बनाया है डो, वो डालेंगे। जो भी मिक्सचर हमने सैंडविच का बनाया है, वो हम इस पे अच्छे से फैला देंगे। आप चाहें तो इसके किनारे काट सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं काटे हैं, क्योंकि ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, हमने सारा मिक्सचर अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसको बंद कर देंगे, और इस सैंडविच के ऊपर, अब इस ब्रेड के ऊपर हम बटर लगा लेंगे। तो देखिए, हमने अपनी ब्रेड के ऊपर अच्छे से बटर लगा लिया है। अब हम इसे अपने ग्रिल पैन में पलट कर डाल देंगे। मक्खन वाला पोर्शन जो है वो हमारा नीचे आना चाहिए, ताकि वो अच्छे से सिके। और ये जो ऊपर वाली ब्रेड है, अब हम इस पे भी बटर को लगा देंगे। तो अब हम अपना सैंडविच पलट लेंगे। ये देखिए, हमारे सैंडविच पे कितने अच्छे ग्रिल मार्क्स आए हैं। और अब इसे हम दूसरी तरफ से सेक लेंगे। तो हमारा ग्रिल सैंडविच रेडी है। अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे और इसे कट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी है। ये देखिए इसकी स्टफिंग। और आप चाहें तो इसको और छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी ब्रेड है तो हम इसे ऐसे भी अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं, और ये खाने में बहुत टेस्टी है फ्रेंड। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत टेस्टी है और बहुत मज़ेदार है, और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।